सा ना ये अलग टाइप का दिख रहा है, तो इट लुक इम्प्रेसिव। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए इसके पीछे का इमेज देख रहे हैं आप, टेक्सचर्स, तो उस तरीके का टेक्सचर्स पीछे दे दिया गया है जिससे कि थोड़ा सा ये इम्प्रेसिव लग रहा है। ठीक है, आपको भी लग रहा होगा। और इसने कुछ मॉडल्स बना रखे हैं यहाँ पर, करेक्शन था इनके ड्राइंग्स में, बट जो पीछे का बैकग्राउंड आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा ना इसको व्यू में इसको थोड़ा अच्छा कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको बनाना हो और या फिर इससे भी बेहतरीन बनाना हो तो कैसे बनाओगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, घर पे ट्राई कर सकते हैं। एक इसका है और एक और लड़का था, उसका दिखाता हूँ। और ये बहुत सिंपल मेथड है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। अब दिखाता हूँ, ये अभिषेक करके एक लड़का है, उसका पोर्टफोलियो है, सिंपल ये भी है। ठीक है, इसको जो जो चीज़ें आती हैं वैसे उसने भी लिख रखा है, और ये पीछे का व्यू आपको ऐसे दिख रहा होगा। आपसे अच्छा मॉडल नहीं है पहले बता दे रहा हूँ, बट हाँ इन लोगों ने डिजाइन अच्छा चूज कर लिया है। हार बाज बोलो। हाँ हेलो, सर, ये अभिषेक जो है बीआईएम के जो थर्ड बैच है अभी जो आप ये 10 बजे वाला वही। हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ एक्चुअली मेरे से उससे बात हुई थी जब अराउंड 1 मंथ पहले बात हुई थी, तो मुझसे काफी चीज पूछ रहा था कि बीआईएम के रिलेटेड। उसने मेरे से बहुत पोर्टफोलियो मांगा था, मैंने अच्छा, उसको लगभग 7-8 जो हम लोग के बैच के करंट पोर्टफोलियो जो थे ना मेरे पास, हाँ मैंने वो भी दिया, और जो मुझे इंटरनेट से मिले थे, और हाँ बहुत मेरे से इतने क्वेश्चन पूछे थे ना सर, मुझे याद है अभी भी, मेरा पूरा व्हाट्सएप चैट से भरा। अरे बाप रे, इतना तुम कभी कभी लोग, कॉल करता लेकिन अच्छा लड़का लेकिन सर। हाँ अच्छा है लड़का, अच्छा है। इतना तुम लोग चैट कम हाँ सर, कैसे लेते हो, मेरे को तो टाइम ही हाँ नहीं मिलता इतना चैट वो बोल रहा था कि सर से तो बात करते हैं लेकिन सर को उतना टाइम नहीं मिलता है, तो मेरे से भी पूछा था कि कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, करने। हाँ, बहुत पूछता रहता। देखो अभी अप्लाई करने के लिए तो अभी देखो इतना सिंपल अपना कर दिया है, डेली ओपनिंग्स आ रही है। अगर तुम देख रहे होगे तो आज भी ओपनिंग आने वाली है, कल भी आई थी, परसों भी आई थी। अब जो लोग अप्लाई कर रहे होंगे उनको देखो शॉर्ट लिस्टिंग पक्का मिलेगी, क्योंकि अभी तो मैं अकेले कर रहा हूँ और अभी ये जल्दी ही एक हफ्ते के अंदर एक टीम बन रही है, वो दिन भर तुमको ओपनिंग बताती जाएगी। इंडिया में जहाँ जहाँ ओपनिंग होगी हम लोग खा जाएंगे पूरी ओपनिंग को। ठीक है, पूरी ओपनिंग अपने पास आनी चाहिए। तो कुल मिला के अपना काम तो ओपनिंग का तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब बस जरूरत है हमारे काम की क्वालिटी। देखो इसको कैसे बनाना है, इसको वो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर सिंपल canva.com ओपन कर लेना सभी लोग, अगर ऐसा बनाना चाह रहे हो तो। ठीक है, canva.com ओपन कर लेना, सीखना आपको खुद से पड़ेगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, और इस पे जाके जस्ट क्रिएट डिज़ाइन दिख रहे हो कॉर्नर पे, ठीक है, क्रिएट डिज़ाइन पर जस्ट जाना, क्लिक कर देना। और क्रिएट डिज़ाइन पर जस्ट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑप्शन दिखाता है क्रिएट डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, जस्ट क्लिक करो, उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑप्शन देखोगे यहाँ पर। वैसे तो बहुत ढेर सारे ऑप्शन देखो इसके अंदर रखे हुए हैं, ठीक है, बट आप प्रेजेंटेशन ले लेना। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने तो इसमें कुछ पोर्टफोलियो दे रखे हुए हैं। इसके अंदर टेम्पलेट्स रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, टेम्पलेट्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सपोज आपको बोलूँ कि मुझे टेम्पलेट बिल्डिंग्स का लेना है, ठीक है, तो ये देखो कॉर्नर पर लिखा हुआ है, अभी ये बिल्डिंग मैंने कल बनाया था तो इसके ऊपर रखा हुआ है। जस्ट आपको सपोज आपने बिल्डिंग पर क्लिक कर दिया, तो अब बिल्डिंग से रिलेटेड बहुत से फ्री और पेड आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, कुछ पेड भी रहेंगे। ठीक है, पैसा आपके पास है थोड़ा बहुत तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अभी के लिए आप फ्री भी यूज करेंगे तो फ्री में भी एक से बढ़ के एक इसके अंदर रखे हुए हैं। एक से बढ़ के एक टेम्पलेट है, ये सब फ्री है, देखो यहाँ पर ये फ्री है टेम्पलेट। अब इन टेम्पलेट्स में अगर आप अपनी अपना जो वर्क है उसको डिनोट करते हो तो इट विल लुक इम्प्रेसिव। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ये उसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर सपोज ये आपने ये ले लिया, ठीक है, अब ये थोड़ा कम मुझे अच्छा लग रहा है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर इस तरीके के मॉडल ले लोगे अगर, तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिल जाएगा टेम्पलेट। मैं सारे टेम्पलेट देख रहा हूँ कि कौन कौन से अच्छे हैं। ठीक है, वैसे तो अच्छे बहुत ढेर सारे हैं, बट जो अपने काम को यूज में आए वो समझना पड़ेगा अपने को, जिसमें बिल्डिंग्स के रिलेटेड ज़्यादा हो। ऊपर वाला ही अच्छा था।
फिलहाल आप एक बार गो थ्रू होना सबसे, और जो आपको अच्छा लगे वो आप प्रीफर कर लेना। ठीक है, अब सपोज आपने ऊपर वाला ले लिया, ठीक है, सारा घूमने के बाद आपने वाला नहीं अभी ऊपर वाला ही डन करते सर, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, जस्ट इस पर प्लस पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा ये जो देख रहे हो, पर क्लिक कर दिया, क्लिक किया ऑटोमेटिक आ गया। अब आपको चाहिए कि सर मेरे पास करीब करीब 12 मॉडल है, 15 मॉडल है, 20 मॉडल है, 25 मॉडल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ प्लस पे क्लिक कर लो, प्लस पे क्लिक कर दो, प्लस पे क्लिक कर दो, प्लस पे क्लिक कर दो, जितने आपको लगता है कि इतने पेज का मुझे पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। बड़ा हो गया तो बोर करेगा और बहुत छोटा हो गया तो पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना। तो आप 25 से 30 पेज तक का रखोगे तो बेस्ट पोर्टफोलियो बन जाएगा, ठीक है, 25 से 30 पेज। अगर आपकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है तो आप 35 तक जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसा है कि इम्प्रेसिव डिज़ाइन होना चाहिए। अब सपोज दूसरे पेज पर टेम्पलेट आपको लगाना है तो जो दूसरा वाला टेम्पलेट है जैसे उस पर अगर क्लिक करोगे तो दूसरे पेज पर लग जाएगा, फिर तीसरे पेज पर लगाना है तो तीसरा वाला। कई लोग सोच रहे होंगे सर इसमें तो विजन और मिशन वगैरह लिखा हुआ है तो हम अपना काम कैसे करेंगे इसके अंदर। बहुत आसानी से कर सकते हो, ये जो पुराना इनका विजन और मिशन है इनको बोलो कि आप घर जाओ, ठीक है, तो इनको डिलीट कर दो, ठीक है, इनके विजन और मिशन को डिलीट कर दो। और डिलीट करने के बाद आप अपना विजन, मतलब आपके पास 3D होगी वो 3D ले आके यहाँ पर लगा दो, ठीक है, या फिर 2D होगी 2D यहाँ पर लगा दो और उसके बाद उसकी 3D इधर लगा दो। तो क्या हो गया, आपको बगल से बॉर्डर मिल गया डिज़ाइन करने के लिए, वो थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगने लगा। फिर आपने कहा सर और भी पेजेस आपको डिज़ाइन करने हैं तो बिल्कुल डिज़ाइन कर सकते हो आप। तो इस तरीके के टेम्पलेट्स अगर यूज करते हो करीब करीब 8 से 9 घंटे लगेंगे आपको। लेकिन हाँ, कैनवा में ये मैंने देखा अभी तक कि पावर पॉइंट से ज़्यादा अच्छा बन सकता है, ठीक है। रीज़न ये है कि मान लो कि तुमको किसी इमेज को यहाँ पर ना एलिमेंट्स हैं, देखोगे अगर तो एलिमेंट भी रखे हुए हैं, एलिमेंट में कोई एलिमेंट आपको अच्छा लग गया, ठीक है, तो उस एलिमेंट को आप फटाफट ले सकते हैं, ठीक है। आपको लगा कि क्या बोलते हैं ये घर सर मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इस घर पे बहुत ज़्यादा चमक बहुत ज़्यादा है, देखो मैंने इसको लिया उठा के रखा है, देखो अपने आप सेट हो जाएगा उसके अंदर। अब ये वाला जो एलिमेंट देख रहे हो वाइट कलर का छोटा सा, सपोज ये आपको अच्छा तो लग रहा है लेकिन आप इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, ट्रांसपेरेंट, क्रॉप भी कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, मतलब कि टेढ़ा कर सकते हो, इधर इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा चेंज कर सकते हो, ठीक है, फ्लिप कर दिया, और एडिट इमेज पर जाके इसको ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इधर देख रहे हो कि कॉर्नर पे पोजीशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो फ्लिप हो गया, ठीक है, बगल में देख रहे हो कि यहाँ पर पोजीशन लिखा हुआ है, पोजीशन के जस्ट एक ऑप्शन आगे ट्रांसपेरेंसी है, क्या है, ट्रांसपेरेंसी। आप चाहते हो कि इस एलिमेंट का वो पता ना चले बट इट लगे कि है यहाँ पर, तो वो भी आप काम इसके अंदर कर सकते हो। तो कुल मिला के एडिटिंग का जो ब्रह्मास्त्र है वो इसके अंदर है। आपको लग रहा है कि सर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर बैठे और क्या बोलते हैं, बट ये डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए क्योंकि इसी के ऊपर मैं अपना कवर बनाना चाहता हूँ, तो कर सकते हो जी, ठीक है। आपने कहा मैं इसके ऊपर अपना कवर बनाना चाहता हूँ, उसको डिलीट कर दो, ठीक है, सबको डिलीट कर दो। और डिलीट करने के बाद यहाँ पर जाओगे तो सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको हल्का करना है तो हल्का कर दिया, इसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो बना लो। तो ऐसे बहुत सी एलिमेंट्स इसके अंदर रखे हुए हैं। अब ये आप कितना बैठ के कितना खोज लेते हो वो आपके ऊपर ही रखा हुआ है, ठीक है। आपने कहा सर कुछ गूगल से ले आके रख सकते हैं क्या, बिल्कुल आप गूगल से भी आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ सकते हो। जस्ट अपलोड पर आपको क्लिक करना है, अपलोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपलोड फाइल्स आ जाएगा, तो गूगल से जो जो चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्ट कर लो, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्ट कर लो और आराम से लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपलोड फाइल करना होता है, सपोज आपके पास 3D रखी हुई है, ठीक है, किसी भी 3D को आप डायरेक्ट इम्पोर्ट कर लिए, ठीक है, ऐसे करते हैं। आपने कहा मैं अब ये बॉर्डर में ऐसे रखना चाहता हूँ, जैसा भी सेट करना चाहो ऐसा कर सकते हो। अपने घर में से थोड़ा सा बड़ा रखना चाहता हूँ या सिकन, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर आपको पोर्टफोलियो के लिए बैठ सकते हो, अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो। नेक्स्ट पेज में आपको कुछ और रखना है,
आपने नेक्स्ट पेज में कुछ और रख दिया, ठीक है। तो जो आपको बेस्ट डिज़ाइन दिखे वो बेस्ट डिज़ाइन को यहाँ पर यूज कर लो और उसको यूज करके आप आराम से किसी को क्रिएट करके दे सकते हो, ठीक है। फिर आपने बोला कि सर नेक्स्ट पेज में हम और अच्छा व्यू रखना चाह रहे हैं, रख दो, कौन मना किया आपने, ठीक है। प्लस व्यू भी क्रॉप कर सकते हो, जैसे आपको लगता है कि नहीं सर इसमें इसको कैमरे को थोड़ा सा जूम करने की ज़रूरत थी, तो आप खुद से ही कर दो ना इसको, ठीक है। इसकी 2D आपके पास रखी हुई है तो 2D आप अपने पास ले आकर रख दो। तो कुल मिला के कैनवा आपको ज़्यादा इम्पोर्ट कैसे किए सर, इमेज इमेज मैंने पहले से मैंने इम्पोर्ट कर रखी थी नीस, बट तुमको जैसे इम्पोर्ट करना है तो मेरे पास तो बहुत सी इमेज होती हैं, तो तुम इम्पोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप जाके, अब कैसे होता है कि मेरे पास तो बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं ना, बहुत से रेंडर भी है मेरे पास, आपको चाहिए तो ले सकते हो 2-4, लेकिन कोशिश करना है कि आप खुद का बनाओगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं कई ढेर सारी इमेज लिया और इसको क्या कर दिया, अपलोड कर लिया। अब ये सब इमेज मेरे पास रखे हुए हैं, राइट। तो ये ऐसे ही इमेज आप ले सकते हो, ये सब अपने स्टूडेंट्स की है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको लगता है कि सर ये वाला मॉडल मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप ऐसा बनाने की कैपेबिलिटी रखते हो तो यू कैन यूज दैट। बट अगर आप बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, देख लो कितना मेहनत किया है, तो इट्स लुक इम्प्रेसिव। आपने क्या किया, आपने 2 इमेज को एक साथ जोड़ दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप कोशिश करो तो बन जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। और जब पोर्टफोलियो आपका रेडी हो जाए पूरा का पूरा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर अभिषेक ने किया हुआ है, ठीक है, और अब जैसा अभिषेक ने किया है या फिर जैसा यहाँ पर संजीव ने किया हुआ है, ऐसा पोर्टफोलियो रेडी हो जाए जब आपका पूरा का पूरा सेट कर लो 7-8 घंटे लगा के, देखो उसमें शिद्दत देना, क्यों, क्योंकि आपकी लाइफ कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर इतना आप टाइम दे रहे हो तो मैक्स पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको, ये गौरव का शायद, तो मैक्स पॉसिबिलिटीज़ है कि अब आपका अच्छा ही बनेगा। अब लोग से मान लीजिए बन गया, अब इसको हम कैसे इम्पोर्ट करेंगे, मतलब कैसे लेके आएंगे मॉडल के अंदर। तो मॉडल के अंदर ले आने के लिए बहुत आसान तरीका है, जस्ट यहाँ पर आपके सामने देखो कॉर्नर पे क्या लिखा हुआ है, शेयर्स, क्या लिखा हुआ है, शेयर, शेयर पर जस्ट क्लिक करोगे अगर तो वहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड, क्या मिलेगा, डाउनलोड। तो डाउनलोड पर जस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पर PDF स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, क्या PDF स्टैंडर्ड, PDF में ही करना ज़्यादा बेटर रहता है। कुछ लोग वीडियो भी निकालते हैं तो डेफिनेटली इसका वीडियो भी आ जाता है आपका, ठीक है, तो वीडियो भी निकाल के दे सकते हो, ठीक है। अदरवाइज PDF स्टैंडर्ड करोगे तो आपको PDF मिल जाएगा जो आपको किसी को शेयर करना रहता है, तो जो आपका मन करे वो कर दीजिए, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कर लेते हो तो अच्छा है। एक लड़के ने वीडियो बनाया हुआ है, थोड़ा थोड़ा मेहनत कर दो तो ऐसे अच्छे अच्छे मॉडल्स क्रिएट करके और बेस्ट पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो आपका ऐसा होना चाहिए कि देखने के बाद लगे कि कुछ है, ठीक है, और वो तभी आएगा जब बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है। चलिए ये तो आपको करना है, आप सैटरडे संडे में आराम से बैठ के कर सकते हो। देखो ये फिक्स है कि एक इंजीनियर आपको, एक इंजीनियर कोई और है, ठीक है, आप में से ही किसी का पैकेज लगेगा 8 लाख का और किसी का पैकेज लगेगा 4 लाख का, किसी का पैकेज लगेगा 2 लाख का। ये सब किस पे डिपेंड है, आप सबके या फिर हम सबके कर्मा पे डिपेंड है, ठीक है। कैसा कर्मा, जितना हम काम कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा पा जाएंगे, फिक्स रहता है, ठीक है। इट्स डिपेंड कि आप कितना अच्छा कर पाते हो। अब वो लोग सारे असाइनमेंट्स क्या है, ठीक है, असाइनमेंट्स हैं कि आपको कल एक लिस्ट बनानी है, क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। लेकिन लिस्ट बनाते समय उस लेक्चर को गो थ्रू होना है, ठीक है। जैसे कि आपको क्या लिस्ट बनाना है कि हमने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा, शॉर्ट में एक लाइन में एक्सप्लेन कर लेना है, लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ा है, टोटल अपने 33 लेक्चर्स हैं टेक्ला के अंदर, कितने 33 लेक्चर्स हैं। तो लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 33 तक आपको सिर्फ वीडियो को एक बार डेफिनेटली स्क्रॉल करोगे तभी तो पता चलेगा किस लेक्चर में क्या है, स्क्रॉल करना है और अपने वर्ड में टाइप कर लेना है कि अच्छा इस लेक्चर में सर ने ये पढ़ा है, इस लेक्चर में ये पढ़ा है सर ने। तो उससे क्या होगा, आप सारे लेक्चर से गो थ्रू हो जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। इस लेक्चर में सर ने RCC डिटेलिंग्स, इस लेक्चर में कनेक्शंस के बारे में पढ़ाया है, इस लेक्चर में वेल्डिंग के बारे में पढ़ाया हुआ है, जो भी रीजंस है वो सारे को आपको एक स्लॉट में, एक पेज में आराम से लिख लेना है, यही आपका टास्क है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आप सारे लेक्चर से गो थ्रू हो पाओगे तभी वो लिस्ट बन पाएगी,
ठीक है, तो उसको आपको गो थ्रू होना है, जिससे कि आपको कभी एक तो आइडिया लग जाएगा कि यार मेरा ये वाला लेक्चर ना कमजोर पड़ रहा है, तो मैं इस लेक्चर पर फोकस कर लूंगा, तो ये हो जाएगा। डेफिनेटली ये केवल टेकला में नहीं करना है, सब में करना है, लेकिन कल केवल टेकला में करना है। ठीक है, बनाते हैं सर लेक्चर। मैं तो नोट्स बनाता हूँ सर लेक्चर्स का। वेरी गुड, अगर नोट्स बनाते हो दैट इज एक्सीलेंट। ठीक है, अब क्या करना है, उस नोट्स को हेडिंग कर लो। हेडिंग करने के लिए जैसे होता है ना कंटेक्ट, कॉन्टेक्ट, तो उसमें फर्स्ट लेक्चर वन इसके आगे ये, लेक्चर टू इसके आगे ये, लेक्चर थ्री इसके आगे ये, क्योंकि उसमें आपको सारे लेक्चर्स से गो थ्रू होना पड़ेगा। सारे लेक्चर्स को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करोगे तभी जाके लिख पाओगे। ठीक है, तो आज आपका यही टास्क है कि आप लेक्चर नंबर 33 तक सारे लेक्चर्स को गो थ्रू हो जाना। ठीक है, अगर आपका 31 तक हुआ है तो आप 31 तक ही करना, लेकिन जितना जिसने वॉच कर लिया है उतने लेक्चर्स का कोशिश करना कि 30 के ऊपर, ये भी नहीं कि सर मैं तो 5 ही लेक्चर वॉच किया हूँ। ठीक है, तो काम चोरी नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको 33 तक टारगेट होना चाहिए कि हम 33 तक पूरा नोट्स बना लेंगे, और नोट्स बना के उसको शेयर कर क्या बोलते हैं, कल आप नोट्स इन द सेंस वही वर्ड फॉर्मेट में शेयर करेंगे। उसके बाद आपको रैबिट आर्किटेक्चर का भी करेंगे, स्ट्रक्चर्स का भी करेंगे, MEP का भी करेंगे आगे, लेकिन अभी नहीं, रुक रुक के करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद अभी हम लोग चल रहे हैं नेविस वर्क में। कहाँ चल रहे हैं? नेविस वर्क में। तो मेरा प्लान है कि कल आपको नेविस वर्क दे दूंगा, जिससे इंस्टॉलेशन का जो भी लफड़ा रहेगा आप सैटरडे संडे में निपटा लोगे। ठीक है, मंडे को फ्रेश तरीके से उसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए नेविस वर्क करो। और अपना प्लान ये है कि जैसे कि आपका जब तक हॉलीडे, जैसे कि अपना ना दिवाली के पहले मुझे घर जाना है लगभग 13 तारीख को, तो 12 तक अपनी क्लासेस रहेंगी, 13 को पॉसिबल रहा तो देखेंगे। तो उसमें क्या करेंगे कि उस समय पर आपको 3DS Max आ जाएगा, जिससे आपको भरपूर प्रैक्टिस करने को टाइम मिले, खूब ढेर सारा 3DS Max, क्योंकि 3DS Max केवल प्रैक्टिस का गेम है, उसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, कोई लॉजिक तो होता नहीं उसमें, सिर्फ प्रैक्टिस होती है उसके अंदर। तो जो भी हॉलीडे होगा वो प्रैक्टिस को डिनोट हो जाएगा, और लाइक नेविस वर्क हो या फिर टेकला हो, ये सब क्या कॉन्सेप्ट बेस है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आता है आप कर लोगे, लेकिन वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि 12 तारीख तक हम लोग अगर वहां तक पहुंच जाते हैं तो दैट विल बी ऑल राइट, तो 3DS Max आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, चलो जाओ सभी लोग फटाफट नोट्स जरूर बना के आना। कल जब नोट्स आप बना लोगे तभी हम आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ये फिक्स है। ठीक है, क्योंकि पहले मैं आपको लेक्चर पहले आपको नोट्स देखूंगा कि आपने लेक्चर वन में क्या पढ़ा, लेक्चर टू में अब क्या है, गलत आप लिख नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर पूजा ने गलत लिखा तो अनीस सही लिख के आएगा, अनीस सही लिख के आएगा दरबार से, तो मैच होना चाहिए आपके डाटा और उससे आपको एग्जैक्टली। ठीक है, लंबा हॉलीडे है इसलिए बोल रहा हूँ सब कवर अप हो जाएगा, पूरा एक बार रिवाइज करने को मौका मिल जाएगा आपको। लगभग 14 से 15 दिन का हॉलीडे है, 15 दिन का पकड़ के चलो। ठीक है, मैं बहुत कम घर जाता हूँ, जब भी जाता हूँ तो एक लॉन्ग हॉलीडे भी जाता हूँ, तो 15 दिन का अपना टोटल टूर है। ठीक है, तो 15 दिन में तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा ना इधर से उधर तक। ठीक है, लेकिन उसके भरोसे मत रहो, उसके पहले ही हम काफ़ी कुछ कर लें ये ज़्यादा बेटर रहेगा ना। उस 15 दिन में भी एक्टिविटी रहेगी, ऐसा नहीं कि आप मतलब मौज करोगे, लेकिन हाँ एक्टिविटी भी प्रैक्टिस से रिलेटेड रहेगी बस। ठीक है, तो उस समय हम लोग 3DS Max के उसमें रहेंगे। चलो, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी बस लिस्ट बनाओ सबका। ठीक है, जिससे कि हमको ये आइडिया लग जाए ना कि हमने कल को आप भूल गए कोई चीज़ को। ठीक है, आपको याद तो रहेगा यार मैंने ये चीज़ें तो पढ़ी हुई है। ठीक है, फटाफट तो रिवाइज कर लूँगा मैं, तो इसलिए आज सभी लोग कर लेंगे तभी कल आगे चलेंगे। कल पहले आपका असाइनमेंट्स देखूंगा तब आगे चलेंगे। ठीक है, लापरवाही मत करना, पहले से बता दे रहा हूँ, पहले देखूंगा कि किसने किसने नोट्स बनाया है तब आगे चलूंगा, ये फिक्स है। ठीक है, अदरवाइज कल छुट्टी हो जाएगी। टिकला हो गया सर सबका लेक्चर्स? हाँ, क्या सबका लेक्चर्स? यस, मैक्सिमम लोगों का हो गया है अनिश। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का हो गया है, अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम कवर अप कर लो, संडे तक का टाइम है। ठीक है, मैंने इस बोला था इस वीक के अंदर करना है। ठीक है, ऑलरेडी क्या बोलते हैं 30 तक तो सबका ही हो गया है, अब केवल 3 लेक्चर्स हैं तो डेफिनेटली 3 में भी 33 में कुछ है नहीं, 31 32 ही है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर तुम्हारा छूटा हुआ है तो सैटरडे संडे तक कवर अप कर लो। ठीक है, तुम्हारा जॉब चल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर टाइम से नहीं करोगे तो तुम्हारा भी लॉस होगा ना कि प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक, चलो ठीक है, बाकी कल हम लोग देखेंगे, और अरवाज तुम्हारे असाइनमेंट्स कल ही चेक करेंगे आराम से, क्योंकि उसमें सब सबका साथ में रहेगा तो एक साथ ही चेक कर लेंगे। कल ध्यान रख के सभी लोग करके आना, हम लोग आशीष हैं यहाँ पर, आशीष तुम्हारे पापा मुझे कॉल कर रहे थे कल रात को, मैं कॉल उठा नहीं पाया, और तुम्हारी कंप्लेन ही होगी, तुमको पता है अच्छे तरीके से। ठीक है, कल का असाइनमेंट से याद रखो, तुम अभी लेट ज्वाइन हुए हो। ठीक है, कल तुम्हारे पापा कॉल कर रहे थे, शायद अभी मैं कॉल करूँगा फ्री होके,
तो उसमें क्या बोलते हैं, तुम्हें क्या करना है, टिकला के लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 33 तक हमने क्या पढ़ाया हुआ है उसको वर्ड में कल लिखना है। लेक्चर 1 में शॉर्ट में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टिकला, ठीक है। लेक्चर 2 में क्या पढ़ाया हुआ है, हाउ टू क्रिएट बीम एंड कॉलम्स, उसके लेक्चर 3 में क्या पढ़ाया, और 33 तक कम्प्लीट कल दिखाना है। तो तुम लेट आए उसने फिर से बता दिया, ठीक है। अरबाज को पता ही है, सतीश को पता ही है, अनीस को पता है, कल जितने लोग हैं सबका चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है जी। चलो।